नमस्कार, मैं हूं मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे अलग अलग टॉपिक का। आज हम लोग एक दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है, ये वाला क्वेश्चन काफी आया हुआ है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यानी x इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। और यहां पे देखिए दिया हुआ है कि x इज लाइज बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 5x - 4, और ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, x इसके बीच में लाइज कर रहा है, और दूसरा एक फंक्शन दिया है 4x² - 3x, और x का जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाइक कर रहा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी x इक्वल टू 1 में आपको दिखाना है कि fx कंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 भी है और 1 भी है, और यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, तो देखिएगा दोनों में जो कॉमन होगा उसका हम लोग लेंगे। यहाँ पे भी देखिए 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, दोनों में है, तो दोनों में 1 है तो 0 और 2 को हम लोग छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन को लिखते हैं जो दिया है fx इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे 5x - 4 कॉमा व्हेन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 4x² - 3x कॉमा व्हेन 1 लेस देन x लेस देन 2। ये आपको गिवन है, तो हम लोग क्या बोला कि 1 में चेक करने के लिए बोला है। तो देखिए जब हम लोग 1 में चेक करेंगे तो 0 और 2 को छोड़ देंगे, आप इस किस तरह से मिटा देंगे। देखिए अभी क्या है x less than equal to 1, ठीक है, दूसरा यदि 2 को हम लोग हटा देते हैं तो 1 less than x, देख रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, कौन लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और कौन राइट हैंड लिमिट होगा, पहले वो आपको चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन लेफ्ट हैंड है और कौन राइट हैंड है। तो यहां पे देखिए हम कल बोले थे कि जब x ग्रेटर देन 0 हो या 1 हो तो वो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा, और जब x लेस देन होगा 0 हो 1 हो कुछ भी हो तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए पहला बार इसको यदि हम लोग हटा देते हैं तो x लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड होगा, और यहां पर देखिए इसको हटा दीजिए x ग्रेटर देन 1 है तो ये राइट हैंड लिमिट होगा। क्लियर है आपको, ये वाला समझ में आया, क्या बोले हम 1 में चेक कर रहे हैं तो 0 को हटा दीजिए, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये लेफ्ट हैंड होगा, और यहाँ पे 2 को हटा दीजिए तो 1 लेस देन x है यानी x ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका राइट हैंड लिमिट होगा। तो इस तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू, क्योंकि 1 में बोला है तो 1 माइनस होता है, लेफ्ट हैंड में हमेशा हम लोग माइनस लेते हैं, और ये वाला देख लीजिए 5x - 4। अभी क्या करेंगे, लिमिट x क्या होगा, h में चेंज होगा, 1 0 में चेंज हो जाता है, और 5 है तो 5 लिखिए, और 1 के बदले में 1 है ना, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस h और माइनस 4। अभी आप क्या करेंगे, h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यानी 5 × 1 - 0 - 4, यानी 5 × 1 - 4 और 5 - 4 इक्वल टू आपका आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपका, 1 आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालेंगे, ये आपका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, इसको राइट हैंड लिमिट लेंगे, उसी तरह से आप लिखिए लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस लेंगे, और ये आपका 4x² - 3x, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट x h में चेंज होगा, h टेंस टू आपका 0 हो जाएगा, 4 × x के बदले में लिखेंगे 1 + h² - 3, ब्रैकेट में फिर x से देखिए तो 1 + h लिखेंगे, ठीक है। अभी आप h का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना होगा, 4 × 1 + 0² - 3 × 1 + 0, कितना होगा, 1 + 0² यानी 4 × 1² - 3 × 1 यानी 4 - 3, कितना आया
वन आया। अभी आपको क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू निकालना है। अभी देखिए फंक्शनल वैल्यू कहां पे निकालेंगे, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहेगा वहां पे आप फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो इससे हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो f ऑफ 1 आपको निकालना पड़ेगा, यानी f ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 इनटू 1 माइनस 4, यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया और f ऑफ 1 भी 1 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit equals to f of 1, क्या लिखेंगे लास्ट में, hence fx is continuous at x equal to 1। इस तरह से हम लोग मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स को, इस तरह का प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन दे करके और आप लोग को बनाने भी देंगे कि किस तरह से आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम वो डाउट क्लियर करवा देंगे। धन्यवाद।